गाजियाबाद के लोनी कोतवाली इलाके के निठोरा रेलवे लाइन के पास पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश इरफान पुलिस की गोली से घायल हुआ है। आरोपी ने पुलिस पर भी फायर किया था, जिसमें एक कांस्टेबल मामूली रूप से घायल हुआ है। सर, अभी अभी जो मुठभेड़ हुई है, वो कौन सा बदमाश है और क्या क्या बरामद किया? ये गाजियाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम से सूचना मिली लोनी पुलिस को कि दो बदमाश राशिद अली गेट से निठोरा की तरफ भागे हुए हैं। उसमें लोनी पुलिस ने उनका पीछा किया बदमाशों का, और बदमाश से निठोरा अंडरपास के पास गांव की तरफ मुड़ने लगे। गाड़ी यहां पे फंस गई तारों के बीच। उसके बाद बदमाश गाड़ी गिरने के बाद उसने पलट के पुलिस पर फायरिंग करी। फिर बचाव में पुलिस टीम ने भी फायरिंग करी, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी, वो घायल हुआ। एक बदमाश भागने में फरार हुआ, उसकी भी तलाश जारी है। सर, बदमाशों ने कितनी फायरिंग की है? बदमाश ने एक फायर किया, पुलिस ने जवाबी फायर किया, जिसमें बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी। और बदमाश का तस्दीक किया गया तो इरफान नाम का बदमाश है, और ये मेरठ से 25,000 का इनामी बदमाश है, हार्ड क्रिमिनल है, जिसके ऊपर एक दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज हैं और तस्दीक की जाए। सर, ये मेरठ से वांछित है, ये लोनी में इसकी मुठभेड़ हुई है, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में? मेरठ पुलिस भी इसकी तलाश कर रही थी, गाजियाबाद की पुलिस भी लगी हुई थी। ये हार्ड क्रिमिनल था, और गाजियाबाद क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा सूचना के बाद बदमाशों को पूछा गया, जिसमें इस बदमाश के रूप में इसकी पहचान।